नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पंचायती राज विभाग द्वारा नल जल योजना के अनुरक्षण का रास्ता साफ कर दिया गया है। आज इस वीडियो में वार्ड सदस्य, पुराने वार्ड सचिव, अनुरक्षक और जमींदाता को लेकर पंचायती राज विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कौन अनुरक्षक रहेंगे और कौन नहीं, इसको लेकर पूरी जानकारी साझा किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे या पुराने अनुरक्षक ही अनुरक्षक रहेंगे या फिर जमींदाता को अनुरक्षक बनाया जाएगा, यह सवाल आपके अंदर बैठा हुआ है। पंचायती राज विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पुराने अनुरक्षक भी रहेंगे और वार्ड सदस्य भी अनुरक्षक रहेंगे। चकित मत होइए, दरअसल जो जमींदाता है जिनके द्वारा नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है, यानी वो पहले से अनुरक्षक पद पे हैं, उनको नहीं हटाया जाएगा, उन्हीं के द्वारा नल जल योजना का संचालन किया जाएगा। और जहां अनुरक्षक को चयनित किया गया है, जिसमें पुराने वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य शामिल हैं, वैसे अनुरक्षक के जगह पर नए वार्ड सदस्य को अनुरक्षक का काम करना है। अगर वार्ड सदस्य चाहे तो वे अपने जगह वार्ड सचिव या वार्ड के किसी भी असहाय व्यक्तियों को अनुरक्षक बना सकते हैं, यह अधिकार वार्ड सदस्य को दे दिया गया है। तो वार्ड सदस्यों के द्वारा जो अपने अधिकारों को लेकर पटना के गर्दनी बाग से लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर जो धरना प्रदर्शन दिया गया था, उसको लेकर कहा जाए तो एक छोटा सा अधिकार उनको मिल चुका है। तो इस पत्र में निम्न 7 बिंदुओं पर जब आप गौर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई है, तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जाएगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम नहीं की गई है, तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से संबंधित किए जाने की उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नाम किए गए उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। यदि रैयत या रैयत द्वारा निमित उनके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है, तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे। यदि वार्ड सदस्य द्वारा अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, तो वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। यदि वार्ड सचिव के द्वारा भी अनुरक्षक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त की जाती है, तो उक्त वार्ड क्षेत्र अंतर्गत किसी अन्य व्यक्तियों को वार्ड सभा के अनुमोदन से अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22/6/2021 में वर्णित शेष प्रावधान पूर्वत रहेंगे। प्रारूप एवं प्रस्ताव पर समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, यह आदेश पत्र निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा यह आदेश पत्र जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव बिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त बिहार, सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, जिला परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग, मिशन निर्देशक बिहार, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, सभी प्रमंडलीय उप निर्देशक, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समितियों को सूचनार्थ अग्रसारित कर दिया गया है। तो आशा करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।